हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में SSC GD 13 जनवरी फर्स्ट स्टेप का एनालिसिस कराते हैं, एकदम रियल क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आज के स्टेप में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं। वेलकम टू माई एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन थे उनका सही आंसर नहीं मिले, क्वेश्चन जैसे आए वो आपको बता दें कि जो अनुच्छेद से पूछा गया है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद से दो क्वेश्चन आए थे आज की फर्स्ट चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद टॉपिक आप बहुत जल्द पढ़ लीजिए। एक राष्ट्रपति पर महाभियोग से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। ओके, ये क्वेश्चन आया था, एकदम करेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो बता दूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप से फ्रेंड्स। एक फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सन 2022 में जो हुआ है वो कतर दोहा में हुआ है। ओके, और जीतने वाला कौन है? अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। ओके फ्रेंड्स, और अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता है। ओके, और इसकी जो कप्तान है अर्जेंटीना की, लियोनी मेसी है। ओके, लियोनी मेसी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, जो सन 2018 का कुछ पूछा गया था फ्रेंड्स। कन्फर्म नहीं लेकिन टोक्यो ओलंपिक से एक क्वेश्चन आया है आज के फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जनगणना से हर चैप्टर पूछ रहा है फ्रेंड्स, 2-3 दिन से लगातार। तो फ्रेंड्स, आप जनगणना का टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, इससे एक नंबर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में कोई युद्ध था जो युद्ध नया युद्ध है कुछ, उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था फ्रेंड्स। युद्ध एकदम बताया नहीं गया कौन सा युद्ध था, तो फ्रेंड्स एक युद्ध से क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो फ्रेंड्स ये पूछ लिया गया कि किन किन दो देशों के बीच में हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये आप एक टॉपिक है, पढ़ लीजिए इसे, एक नंबर के लिए हर सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास से। एक क्वेश्चन फर्स्ट सब्जेक्ट में पूछा गया था पर पता नहीं किन किन के बीच हुआ था, क्या पूछा गया था ये नहीं बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री गवर्नर से एक क्वेश्चन आ रहा है हर सब्जेक्ट में, तो फ्रेंड्स जरूर देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कोई मुख्यमंत्री का आज के फर्स्ट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था शायद, पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड। तो हर चैप्टर में एक पंचवर्षीय योजना आ रहा है, तो आप फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लीजिए। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि GK में आप नंबर करना है अगर 15 क्वेश्चन सही करना, तो फ्रेंड्स जो मोस्ट टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिए, जैसे कि मुख्यमंत्री, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, फेस्टिवल और टोक्यो ओलंपिक के बाद फ्रेंड्स क्या पढ़ना है आपको कि जनगणना के बाद फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ रहा है, जरूर पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ओके, और चलिए देखते हैं अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, अनुच्छेद पढ़ लीजिए पूरा, और राष्ट्रपति इस पर जो अनुच्छेद है वो पढ़ लीजिए, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, मुख्यमंत्री से, पंचवर्षीय से। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा गया था फ्रेंड्स आज के चैप्टर में। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवें पंचवर्षीय का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रहा आज का, पाँचवें पंचवर्षीय का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। और फेस्टिवल से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री डी पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स। क्या है देखो, 12 से 15 क्वेश्चन आपको करना है, तो फ्रेंड्स जो अभी नए लेटेस्ट जो आ रहा है जैसे कि फेस्टिवल और जनगणना से, अनुच्छेद से, पंचवर्षीय योजना से, और फ्रेंड्स दिवस से, फेस्टिवल, नृत्य, पुस्तक, इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन बन रहा है, तो आप जरूर पढ़ के जाइए। एक आया था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक की संघ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है फ्रेंड्स, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का एशियन गेम्स की मेजबानी किसने की थी फ्रेंड्स, एक 2018 का करंट अफेयर्स का आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आपको इवनिंग के टाइम पे ऑल सब्जेक्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।